मैं नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। विनय, नमन एंड प्रतीक थ्री पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इज इन एन एग्रीड रेशियो। मीन्स आपको ओल्ड रेशियो कैलकुलेट करनी है। एग्रीड रेशियो का मतलब है कि आपको ये बताया नहीं है कि ओल्ड रेशियो क्या थी, वो कैलकुलेट करनी है। विद इफेक्ट 1 अप्रैल 2024 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। इन्हीं तीनों पार्टनर्स ने ये रेशियो चेंज कर ली, तो इसका मतलब आपको ये न्यू रेशियो दी है। ऑन दैट डेट बैलेंस आपको दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस 1,75,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 25,000, फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द बुक्स टू गिव अफेक्ट ऑफ द एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व। आपको नीचे जर्नल एंट्री देखो पास करके दी हुई है, प्रतीक टू विनय कैपिटल, और नीचे नरेशन में देखो लिखा है एडजस्टमेंट मेड ऑफ एक्यूमुलेटिव रिजर्व एंड लॉसेज 25,000। कैलकुलेट ईच पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन PSR एंड ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो हमें इस क्वेश्चन के अंदर थ्री पार्टनर्स दिए थे। कितने पार्टनर्स दिए थे? विनय, नमन और प्रतीक, थ्री पार्टनर्स दिए थे। इनकी ओल्ड रेशियो आपको कैलकुलेट करनी है, नीचे क्वेश्चन में बोला था। जब आपको ओल्ड रेशियो कैलकुलेट करनी है तो आप यहाँ तीनों के आगे ऐसे एक्स 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 लगा दो, क्योंकि हमें जो चीज़ फाइंड करनी है। न्यू रेशियो भी दिया है, और आपको क्वेश्चन के अंदर जब जर्नल एंट्री दी हुई है तो आपको इन दोनों पार्टनर के क्या दिए हुए हैं, नाम दिए हुए हैं, और यहाँ पर अमाउंट दिया था 25,000। आप देखो हमें जब पार्टनर्स के नाम दिए हैं, इन दोनों का कोई भी नाम नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का जर्नल एंट्री में जब नाम नहीं है, तो दैट मीन्स ये कौन सी एंट्री है, ध्यान देना। ये लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, ये कौन सी एंट्री की हुई है इन्होंने, एडजस्टमेंट एंट्री। कौन सी एंट्री की हुई है? एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री के लिए आपको रूल पता होना चाहिए कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो का या फिर गेनिंग रेशियो का। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि इन्होंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके ये अमाउंट डाला है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो का। अब वो डिपेंड किस पे करता है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, टोटल के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? टोटल बैलेंस के ऊपर। ये स्टेप्स में करोगे तो आपका क्वेश्चन एकदम सही जाएगा, आंसर एग्जाम में आपका जो करोगे आप एकदम, अगर 6 मार्क का क्वेश्चन है तो 6 में से 6 मार्क पूरे मिलेंगे। आपको स्टेप्स पता होनी चाहिए। जब एडजस्टमेंट एंट्री आपको पता चल गया, एडजस्टमेंट एंट्री में सबसे पहले दूसरा क्या करना है, आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, नंबर टू के बाद आपको फॉर्मूला कब यूज़ करना है, टोटल क्या होना चाहिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कौन सा टोटल होना चाहिए आपका, पॉजिटिव वाला, और गेनिंग रेशियो में कौन सा होना चाहिए टोटल, नेगेटिव वाला। तो आप बस आप ये आपको दो बैलेंस दिए हैं, आपको इनका बैलेंस पता होना चाहिए पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब ये कौन सा बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस होता है। क्या होता है? नेगेटिव। तो बस इन दोनों का टोटल कर लो, ये +175 है और ये -25 है। तो आप देखो आपका टोटल क्या आया, 1,50,000। कौन सा टोटल आया? पॉजिटिव टोटल आया, मतलब ये वाला। आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? सेक्रीफाइजिंग रेशो का। सेक्रीफाइजिंग रेशो क्या होती है? देखो सेक्रीफाइजिंग रेशो क्या होती है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब देखो एडजस्टमेंट एंट्री का रूल क्या होता है, जो पार्टनर, अब जैसे सेक्रीफाइजिंग रेशो है, जो पार्टनर नेगेटिव होगा वो डेबिट होगा, और जो पार्टनर पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब ये देखो ये नेगेटिव वाला, इसका मतलब आपने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया, सेक्रीफाइजिंग रेशो का। सेक्रीफाइजिंग रेशो का जब आप फॉर्मूला यूज़ करते हो तो जो पॉजिटिव होगा वो क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, और जो पार्टनर का नेगेटिव होगा वो पार्टनर ने क्या किया होगा, गेन क्या होगा। क्योंकि जो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, जैसे सेक्रीफाइजिंग रेशो का यूज़ किया आपने, तो जिसका आप जिस पार्टनर का आंसर पॉजिटिव में आया होगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके, तो उस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होगा, और जिस पार्टनर का नेगेटिव आया होगा डेफिनेटली उस पार्टनर ने क्या किया होगा, गेन किया होगा। तो बस अब ये क्या होगा, आपको पता है ये नेगेटिव वाला होगा। यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री का रूल क्या होता है,
एडजस्टमेंट एंट्री का जो रूल होता है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी, आप एक बार लास्ट क्वेश्चन जाके चेक करना, जिस पार्टनर का नेगेटिव आता है वो पार्टनर डेबिट होता है और जिस पार्टनर का पॉजिटिव आता है वो क्रेडिट होता है। अब एक बात बताओ, ये 25,000 कैसे आया होगा, कैसे आया होगा? जो इसका टोटल बैलेंस होगा 150,000 का, जो भी उसका शेयर होगा, जो भी उसका शेयर होगा उसको इसने मल्टीप्लाई किया होगा, ये आ गया होगा, ऐसे ही इसका आ गया होगा 150,000 इंटू जो इसका शेयर होगा इज इक्वल टू ये आ गया होगा। तो अब आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो 150,000 मल्टीप्लाई, कुछ भी लगा दो, एक्स लगा दो या कुछ भी, मैंने एक्स वहाँ पे ओल्ड रेशो के लिए भी यूज़ किया है, तो आप कुछ भी लगा सकते हो, ए लगा लो इज इक्वल टू 25, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखना है कि कितना शेयर आया होगा, तो यहाँ पे ए लगाओ, ए क्या होगा, ये 25,000 यहाँ पर रहेगा और ये 150 डिवाइड हो जाएगा, इसको करो तो इसका मतलब क्या आएगा, 1/6 आया। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो 1/6 आया और यहाँ पर भी क्या आया, 1/6 आया, हमने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया होगा, सेक्रीफाइजिंग रेशो का। तो सेक्रीफाइजिंग रेशो का, अब ये तो नेगेटिव वाला है, ये क्या होगा, नेगेटिव वाला क्योंकि डेबिट है, और ये कौन सा होगा, पॉजिटिव वाला, क्लियर है। अब हमने फॉर्मूला ये वाला यूज़ किया हुआ है, तो इसका मतलब जो पॉजिटिव होगा, जो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसने क्या किया हुआ, विनय ने क्या किया हुआ है, विनय ने इसका मतलब किया, सेक्रीफाइस किया, और इसका मतलब प्रतीक ने क्या किया, गेन किया, क्लियर। दोनों का शेयर तो सेम है, 1/6 1/6, ये क्लियर है इतना। अब आपको ओल्ड रेशो निकालनी है, ओल्ड रेशो के लिए आपको क्या, जैसे न्यू रेशो आपको गिवन थी, जब भी कोई रेशो दी होती है और आपको कोई दूसरी रेशो निकालनी होती है तो उसके लिए पहले आपको सेम शेयर निकालना होता है, क्या निकालना होता है, शेयर। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं रब कर रही हूँ ताकि आपको मैं यहाँ पर सिखा पाऊँ कि आपको कैसे निकालना है। देखो बिल्कुल सिंपल सा ही है, यहाँ पर हम करते हैं। अब आपको क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा, हम ऐसे कर लेते हैं, देखो यहाँ पे ऐसे कॉलम बना लेती हूँ, 1 यहाँ पे ऐसे कर, ठीक है। अब हमारे जो तीनों पार्टनर्स हैं उनके नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये विनय है और ये नमन है और ये प्रतीक है, ठीक है, ये विनय, नमन और प्रतीक। हमारा जो कभी भी न्यू रेशो जैसे निकाली, ये जो न्यू रेशो आई होगी तो इसके लिए आपको पहले न्यू शेयर निकालना होता है। यहाँ पर ये कैसे आए होंगे, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर जो ये न्यू शेयर आए होंगे, हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कैसे, ओल्ड शेयर रेशो नहीं, ओल्ड शेयर, और उसमें से जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, सेक्रीफाइजिंग शेयर, उसको ओल्ड शेयर में से क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं, और अगर कोई पार्टनर गेन करता है तो वो वाला शेयर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इन दोनों को सॉल्व करके हमारा क्या आ जाता है, न्यू शेयर आ जाता है। हमें इन तीनों के क्या दिए हुए हैं, न्यू शेयर दिए हुए हैं, इन इसका भी क्या है 1/3, इसका भी 1/3 और इसका भी 1/3, क्योंकि आपको न्यू रेशो अवेलेबल है। ये ओल्ड शेयर को हमने क्या मान लिया था, तीनों को एक्स एक्स मान लिया था, इसमें थोड़ा सा मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, इजीली समझ आ जाएगा, ये एक्स है, एक्स है, एक्स है। अब हमें यहाँ पर पता लग गया कि आपको ऐसे नहीं करना बच्चे, ये मिस्टेक करते हैं कि इसका रूल फॉलो कर लेते हैं कि ये नेगेटिव है तो यहाँ पर इसका मतलब उसने सेक्रीफाइस क्या होगा, नहीं, आपको सबसे पहले यही चेक करना था कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ हुआ था, सेक्रीफाइजिंग रेशो का हुआ था, तो जो सेक्रीफाइजिंग में आपने फॉर्मूला यूज़ किया पॉजिटिव वाला क्या होगा, सेक्रीफाइस कर रहा होगा, तो इसका मतलब वो क्या है, पॉजिटिव है, ये मैंने अभी पहले ही बता दिया। अब विनय क्या कर रहा था, सेक्रीफाइस कर रहा था, तो इसका मतलब ये सेक्रीफाइस, मैंने लिख दिया यहाँ पे कैसे कैसे आया, अब ये सेक्रीफाइस कर रहा है और ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है।
सेक्रीफाइस को विनय, विनय कौन है ये, इसने क्या किया होगा माइनस 1/6, क्योंकि ये क्या कर देगा माइनस कर देगा, इसने दे दिया। और उसके बाद नमन, नमन का तो कुछ है ही नहीं, ये जीरो रहेगा। उसके बाद प्रतीक, प्रतीक का क्या है गेन है, तो इसमें क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। क्लियर? अब आपको क्या करना है, बस ये तो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। इसका क्या होगा, ये एक्स में से अगर मैं इसको माइनस कर देती हूँ तो ये आया होगा। अब मुझे अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है, देखो एक्स की अगर वैल्यू निकालनी है तो ये एक्स माइनस 1/1, ऐसे सिंपल सा बता रही हूँ, इज इक्वल टू 1/3। तो इसका मतलब ये 1/6 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 प्लस 1/6, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो बस सिंपल सा ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब हम यहाँ साइड में करती रहती हूँ, आपको सिखा देती हूँ ये भी कैसे आएगा। ये 1/6 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो अब यहाँ पे प्लस कर लेते हैं 1/6 प्लस 1/3। दोनों का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब दोनों को आपको कैलकुलेट करना है, ये 6 है ये 3 है, तो इसको 6 बना दो। क्लियर? तो ये क्या बन गया 2/6 और ये 1/6 है, तो इधर आके ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, या यहाँ पर कर लेते हैं 3 × 2, तो 1 + 2, तो इसका मतलब ये क्या आ गया 3/6 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 3/6। अब देखो 3 - 1 2/6 आ गया। अब ऐसे ही है, ये तो जीरो ही है, तो इसका मतलब ये तो एज इट इज ही रहेगा। ये क्या एक्स इज इक्वल टू 1/3, तो इसमें ना कोई गेन किया और ना कोई सेक्रीफाइस किया, ये एज इट इज। अब ये प्लस है, एक्स में ये प्लस हो गया तो ये इज इक्वल टू ये हो गया। अब मुझे ऐसे ही एक्स की वैल्यू, जैसे ये एक्स माइनस 1/6 था, अब यहाँ पर ये x प्लस 1/6 है तो ये 1/3 हो गया। तो x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो ये इधर आके क्या हो जाता है अपोजिट साइन हो जाता है, तो इसका मतलब ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसको भी मैं यही कर लेते हैं, तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/3 - 1/6, क्योंकि मुझे इसको क्या करना है इधर लेके आना है, माइनस हो जाएगा। इसका भी डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं 2 और 2, 1 × 2, 2 - 1, यहाँ पर क्या आ गया 1/6 आ गया। तो इधर भी सेम है नीचे, इधर भी सेम है, तो ऊपर वाले नंबर 1 + 1 2/6 करोगे तो वो 1/3 आएगा। अब तीनों के शेयर आ गए, ओल्ड शेयर आ गए, ये ओल्ड शेयर, देखो 1/ यहाँ पर कर लेते हैं ओल्ड शेयर क्या हो गया 3/6, 1/3 और 1/6, ये भी 6 है ये भी 6 है, तो इसको बीच वाले को भी क्या बना लेते हैं 6 बना लेते हैं, क्योंकि रेशियो निकालने के लिए आपको नीचे का दोनों सबके डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। तो रेशियो क्या बन गई 3 - 1, ये आपकी रेशियो आई जो इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बोला था 3 - 1। ओल्ड रेशियो पूछी थी, सेक्रीफाइस और गेनिंग पूछा था कि किसने सेक्रीफाइस किया, वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। किसने सेक्रीफाइस किया, विनय ने, और इसने क्या किया गेन किया प्रतीक ने। ये हमारा ये क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रेशियो निकालनी थी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट कहीं पर नहीं क्लियर होता है उसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या नहीं क्लियर हुआ है, उसको मैं आपका रिप्लाई कर दूँगी।